मथुरा जिला पंचायत का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर 37 करोड़ से अधिक रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने अपने एक साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आने वाले समय में गांव-गांव सड़क मार्गों की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और अभी तक जहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं उन सभी जगह पर विकास कार्य कराए जाएंगे। सुनिए जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने एक साल के कार्यकाल पर क्या कुछ कहा है। जिला पंचायत के एक वर्ष पूरे होने पर आज करीब 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सांसद हेमा मालिनी द्वारा किया है। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी मुख्य रूप से रहे और इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। एक साल आपका पूरा हुआ, क्या कुछ अभी तक लोगों को विकास कार्य आपने दिए? मैंने अभी तक 308 कार्य जो मेरे द्वारा किए गए हैं पूरे जनपद में, प्रदेशवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब तक 37.5 करोड़ के करीब कार्य मेरे द्वारा संपन्न कराए गए हैं या चल रहे हैं और जनपद में मैंने कोशिश की है कि पूरे लोकसभा में समान कार्य किए जाएं, पर हो सकता है कहीं 19-20 कार्य हुए हों, तो जो 19-20 कार्य हुए हैं अब मैं इस वर्ष में उनको सबको 21 करने की कोशिश करूंगा। और मेरे सभी सम्मानित सदस्य मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिले की सरकार अगले साल में कहीं पर कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ेगी और जो जो हमारी मातृशक्ति माता बहनाएँ जो कीच खांचे में चारे के लिए गोबर के लिए पानी के लिए जाती आती थी उनको उस कीच खांचे से एक साल के अंदर मुक्ति मिल जानी चाहिए। क्योंकि जिला पंचायत सीधे तौर पर गांव से जुड़ा हुआ ये पटल है और हम अगर बात करें तो सीधे लोग विकास की उम्मीद जिला पंचायत जिला परिषद से करते हैं, ऐसे में लोगों को बहुत सारी उम्मीद है। अभी तक कितनी उम्मीदों पर आप खरे उतरे हैं? जो लोग मेरे पास आए हैं पूरे जनपद से मैंने किसी को निराश होकर नहीं जाने दिया है और मैं जो कार रह भी गए होंगे गलती से तो मैं ये विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि कोई भी कार्य पूरे जनपद में हम किसी कंडीशन पर नहीं छोड़ेंगे। गलती का मतलब क्या, हमारे कोई पार्शलिटी हुई है क्या? नहीं, पार्शलिटी कोई नहीं हुई, हमारे सामने ना आया हो गलती से कोई कागज कोई रह गया हो, ऐसा कोई कहीं पर 19-20 कार्य रह गया हो तो सबको मैं 21 साल में बस कर देंगे। कई बार जिला पंचायत सदस्यों की शिकायतें भी होती हैं कि पार्शलिटी। से काम में मिलते हैं नहीं, वो तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके कार्य में कोई पार्शलिटी हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे जिले का मुझे ब्रजवासियों ने बनाया है तो पार्शलिटी वाली बात तो कहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तराजू तोड़ के काम किया जा रहा हो, कहीं 10 लाख के काम ज्यादा है तो कहीं 10 लाख के काम कम है। अब कोई कार्य हो रहा है, कोई रोड बन रहा है तो वो तो पूरा ही बनाना पड़ेगा, अधूरा नहीं छोड़ सकते, इसलिए 19-20 हो सकता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि पूरे जनपद के कार्य सभी 21 हों और कोई पार्शलिटी नाम की चीज न आगे रही न आगे रहेगी। मानी जाती है मथुरा में और सीधे तौर पर लोग जुड़ते हैं कार्यों से, उम्मीद भी रहती है। अभी तक हम बात करें तो एक साल के कार्यों की कितने आप संतुष्ट हैं और कितना अचीवमेंट है आपका एक साल का? मेरी जिंदगी जो प्रमुख यादगार हो, मेरी जिंदगी के सारे कार्य पुरमुखी हैं और मुझे अब तक जितना अचीवमेंट किया है तो मुझे तो लगता है कि अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कार्य ब्रजवासियों के माध्यम से ये करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो भी रह गया है मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई छोड़ा होगा, लेकिन रह भी गया है उसको मैं इस साल में वापस कराता हूँ। प्लानिंग में होगा कनेक्टिविटी, अगर हम बात करें सड़क की मार्गों की तो अभी ऐसी कैसी हमारी कोशिश ये रही है कि एक गांव से दूसरे गांव का कोई भी रास्ता कच्चा न रहे और हम आगे भी कोशिश करेंगे जो कोई गाँव यदि रह गया हो, यदि कोई मेरे पास या मेरे सम्मानित सदस्य के पास कोई आता है व्यक्ति कि हमें ये हमारा गांव के लिए ये रास्ता ये अधूरा रह गया तो हम अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद, हमारी भी बहुत शुभकामनाएं आपको। इस तरीके से आपने देखा कि जिला पंचायत का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ जिस पर आज करीब 37.5 करोड़ रुपए की लागत से जो निर्माण कार्य कराए गए हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने भी कहा है कि आने वाले समय में जो उम्मीद है लोगों की वो पूरी की जाएंगी, जितना कार्य उनकी क्षमता में वो किया जाएगा, जो गांव है वो पूरी कनेक्टिविटी से जोड़े जाएंगे, यानी कि सड़क मार्गों को लेकर भी कई सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब देखना होगा आने वाले समय में ये अपने इस मकसद में अपने इस वादे में दावे में कितने सफल होते हैं। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।